बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस यामी गौतम जितनी अपनी एक्टिंग के लिए फेमस हैं, उतनी ही अपनी खूबसूरती के लिए भी पसंद की जाती हैं। उन्हें लोग फेयर एंड लवली गर्ल के नाम से भी जानते हैं। यामी ने अपने करियर में कई बेस्ट मूवीज की हैं और इंडस्ट्री में अपनी खास जगह बनाई है। चलिए इस पैकेज में हम आपको उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में ही बताते हैं कि हिमाचल में जन्मी यामी मुंबई तक कैसे पहुंची। हिमाचल के बिलासपुर में 28 नवंबर 1988 को जन्मी यामी गौतम के पिता मुकेश गौतम एक पंजाबी फिल्म निर्देशक हैं और मां अंजलि गौतम हैं। यामी के दादा ने जब चंडीगढ़ में गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोला तो पूरा परिवार चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया। यहीं पर उन्होंने यादविंद्र पब्लिक स्कूल से स्कूलिंग की और बाद में उन्होंने लॉ ऑनर्स में स्नातक की डिग्री हासिल करने के लिए चंडीगढ़ के पंजाब विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। हालांकि पहले वो एक आईएएस अधिकारी बनने का सपना देखती थी, लेकिन बाद में उनका झुकाव मॉडलिंग और अभिनय की ओर हो गया था। इसके लिए उन्होंने फर्स्ट ईयर के बाद ही अपनी लॉ की पढ़ाई बीच में छोड़ दी और 20 साल की उम्र में ही करियर बनाने के लिए मुंबई चली गई। बहुत कम लोग जानते हैं कि यामी गौतम ने टीवी से अपने करियर की शुरुआत की थी और घर आए एक मेहमान की बदौलत ये तय हुआ कि वो एक्टिंग की ओर कदम रखेंगी। एक दिन यामी के घर पिता के दोस्त अपनी पत्नी के साथ आए जो एक टीवी शो में काम करती थी। वो यामी की खूबसूरती से इतना इम्प्रेस्ड हो गई कि उन्होंने यामी को थिएटर ज्वाइन करने को कहा। पहले तो यामी ने मना कर दिया, लेकिन इसके बाद भी वो यामी की कुछ तस्वीरें अपने साथ मुंबई ले गई। वहां जाकर उन्होंने कई टीवी प्रोडक्शन हाउस में उनकी तस्वीर दिखाई। उनमें से एक को यामी बहुत पसंद आ गई। बाद में यामी को ऑडिशन के लिए मुंबई बुलाया गया। उन्होंने अपना पहला बंगाली सीरियल चांद के पार चलो किया। इसके बाद ये प्यार ना होगा कम सीरियल में वो नजर आई और वो घर घर में फेमस हो गई। इसके बाद उन्हें फेयर एंड लवली का एड ऑफर हुआ। इससे वो फेयर एंड लवली गर्ल के नाम से फेमस हुई। यामी ने विकी डोनर से बॉलीवुड में एंट्री की। इस लो बजट की फिल्म ने ऐसी कमाई की कि यामी की एक्टिंग और फिल्म की कमाई ने उनके पास फिल्मों की लाइन लगा दी। फिल्मों की एक्टिंग की तरह पर्सनल लाइफ में भी यामी सुर्खियां बटोरती रहीं। यामी ने अपनी शादी से भी लाइमलाइट बटोरी। दरअसल इतनी बड़ी स्टार का यूं सिंपल सुबर तरीके से शादी करना फैंस को इतना इम्प्रेस कर गया कि सबने यामी की जमकर तारीफ की। यामी ने उरी फिल्म के निर्देशक आदित्य धर से हिमाचल प्रदेश में एक प्राइवेट वेडिंग सेरेमनी की जिसमें दोनों के परिवार वाले ही शामिल थे। नानी का लाल रंग का दुपट्टा और अपनी मां की 33 साल पुरानी ट्रेडिशनल साड़ी पहनकर यामी दुल्हन बनी थी। उनकी बहुत सी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। लोगों को यामी का सादा अंदाज बहुत पसंद आया। इस तरह उनके घर आए एक मेहमान ने कैसे यामी की किस्मत बदल डाली। यामी ने भी खूब मेहनत कर एक सफल मुकाम हासिल किया। आपको ये पैकेज अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।